वडोदरा शहर के अलकापुर इलाके में 56 भोग होटल मौजूद है, जिसे आज कोर्ट के आदेश के बाद सील करवा दिया गया है। दरअसल 56 भोग होटल के संचालक दंपति के लिए राजकुमार पिल्ले नाम के एक शख्स की ओर से निजी कोऑपरेटिव बैंक में लोन की गारंटी दी थी। हालांकि ये दंपति पैसे नहीं भर पा रहा था, जिसके बाद राजकुमार पिल्ले ने 28 लाख जितनी रकम बैंक में भर दी थी। हालांकि उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था और संचालक दंपति ने राजकुमार पिल्ले पर ही आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद राजकुमार पिल्ले को जेल हो गई थी। ऐसे में इस मामले में राजकुमार पिल्ले ने आगे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और इस मामले के मद्देनज़र जब कोर्ट केस चला तो 56 भोग होटल को सील करने का हुक्म कोर्ट ने सुनाया, जिसके बाद आज इस होटल को सील करवा दिया गया है। सर, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई आपके साथ, क्या चीटिंग हुआ है? मैं राजकुमार पिल्ले, 56 भोग, वर्षा अमीन, आर रिटेल और हर्षिल अमीन को मैंने 2019 में मैंने लोन दिलाई, 2018 में टोटल 88 लाख की, 2019 में 2,12,00,000 की। अभ्युदय बैंक शेड्यूल चापानियर गेट पे बैंक आई है, ये वहाँ से मैंने लोन दिला क्योंकि मेरा सिविल अच्छा था, इनको 12 साल से कोई बैंक लोन नहीं देती थी। मैंने उसके वती का गारंटर में मेरा नाम, मेरे जमे का नाम लिख के इसको लोन गारंटी में नाम लिख के इसको लोन दिलाया मेरी जवाबदारी पे। इसने हफ्ता भरा नहीं, उसके वती का मैंने 87 लाख रुपीस धीरे धीरे करके मैंने भरा है हफ्ता, और ये एनपीए में आज इसका सील हो गया है प्रॉपर्टी, और मेरे को सिविल में मेरा नाम आ गया है, एनपीए में मेरे को डाल दिया इसने, वर्षा अमीन और हर्षिल अमीन। और उसके बाद इन लोग ने 2021 में 2022 में मेरे खिलाफ अर्जी करा, उसके 5 दिन पहले मैंने इसको 30 लाख रुपया दिया, और 5 दिन के बाद इसने मेरे खिलाफ अर्जी करा और बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो सेटलमेंट करा पुलिस स्टेशन में, तो 53 लाख में सेटलमेंट हुआ। फिर 6 महीना बाद जनवरी 2023 को बोलता है कि 00 में सेटलमेंट कर, नहीं तो तेरे पे FR करता हूँ। तो FR करके मैंने बोला मैं 00 में सेटलमेंट नहीं करूँगा। 6 महीने जनवरी में मेरे पर इसने FR कर दिया 6 महीने बाद, और मैं आज की तारीख में ये प्रॉपर्टी चला गया है। मैं आज ये प्रॉपर्टी के सामने मैं NPA में आ गया हूँ, आज भी मैं उसके वती का पैसा भर रहा हूँ। आज सुबह कोर्ट कमिश्नर आके सील मार के गए हैं 3 प्रॉपर्टी को, और जो 5 प्रॉपर्टी है इसने सबको लिख के दिया। मेरी तरह बहुत लोग पीड़ित है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी तपास पुलिस कमिश्नर साहब करे और आगे इसके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि मेरे जैसे 50 लोग फंसे हुए हैं इसमें।